सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, जो न केवल हमें अध्यात्म के करीब लाती है बल्कि हमें जीवन में सफलता और सुख शांति का पथ भी दिलाती है। शुरुआत में हम चैत्र नवरात्रि के महत्व को समझेंगे, जो कि सनातन धर्म में बेहद खास मानी जाती है। 9 अप्रैल 2024 यानी आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पहली चैत्र नवरात्रि का आरंभ होगा। यही वह दिन है जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य पंकज मेहता ने हमें एक अनोखी और रहस्यमय जानकारी से अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी माँ को अर्पित किए जाने वाले विशेष भोग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पंडित जी ने हमें विशेष रूप से एक भोग की रेसिपी बताई है, जो देवी माँ को अत्यंत प्रिय है। इसमें शुद्ध घी, दालचीनी, केला, गुड़ और इलायची का मिश्रण शामिल है। इस भोग को बनाने की विधि का वर्णन करते हुए उन्होंने जोर दिया है कि इसे शुद्धता के साथ तैयार करना चाहिए। वो जो भोग बनाए उसका भोग का एक प्रतिपदा के दिन का कि थोड़ा सा घी उस पर गर्म करे, अपने कोई भी पात्र में पीता लिया उसमें, और हल्का गर्म होने पर उसमें थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालें, दालचीनी उसमें डालें, और उसके अंदर केला जो होता है अपना, जो केला मतलब बहुत अधिक पका हुआ भी नहीं और कच्चा भी नहीं, जो सामान्यतः तो उसके कुछ टुकड़े करके उस गर्म घी के अंदर डालें। उसके बाद में उसमें गुड़ घिस करके डाल दे, गुड़ देसी गुड़, और उसको मिला करके उसमें बिल्कुल थोड़ी सी इलायची डाल दे, और ये बना करके, और वो जब शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो ये देवी को भोग लगाने से उस व्यक्ति को देवी की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। ज्योतिषाचार्य का ये भी कहना है कि गुड़ से बनी पूरण का भी इस दिन भोग लगाया जा सकता है। वो बताते हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन माता पूजन के दौरान यह भोग देवी भगवती को अर्पण करें। कहते हैं जो व्यक्ति इस भोग को माता को अर्पण करता है, उस पर देवी की अत्यंत कृपा बरसती है। देवी पुराणों के उनके आधार पर ये मैं बता रहा हूँ, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, तो गुड़ी पड़वा के दिन का ये विशेष। इसी के साथ में हम उस दिन गुड़ के बनाए हुए पूरण का भोग माता जी को नैवेद्य अर्पित करते हैं, वो भी अर्पित करते हैं। तो ऐसे प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग वो हैं करके भी, उस हिसाब से भी पूजन करके भी देवी कृपा प्राप्त की। ये जो आप बता रहे हैं, ये किस समय किया जाएगा गुड़ी पड़वा? ये गुड़ी पड़वा के दिन जब आप पूजन करेंगे, पूजन के उपरांत तो जो भोग लगाया जाएगा, ये भोग उसका, तो उस दिन ये इस तरीके से पूजा करेंगे तो उस दिन विशेष। लोकल 18 खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।